हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी सहायिका रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, आई होप कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे ताकि हमें थोड़ा मोर बूस्ट मिले, थोड़ा मोर मोटिवेशन मिले। साथ ही आपको ऐसी ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में और न्यू अपडेट्स के बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जानकारी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बैक टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी सहायिका रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। 8वीं 10वीं पास के लिए ये बम्पर भर्ती जारी हुई है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। आंगनवाड़ी सहायिका रिक्रूटमेंट की जो एज लिमिट है, जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ये सारे क्राइटेरियाज जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आंगनवाड़ी सहायिका रिक्रूटमेंट 2024। बाल एवं महिला विकास विभाग की ओर से राजस्थान राज्य के अंतर्गत 56 आंगनवाड़ी सहायक वैकेंसी 2024 निकाली गई है। यानी फ्रेंड्स, बाल एवं महिला विकास विभाग की ओर से जो राजस्थान स्टेट है, उसके अंतर्गत आंगनवाड़ी में 56 पोजीशंस के लिए ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है। जयपुर राज्य के अंतर्गत कार्यकर्ता सहायिका शिशुपालन गृह के अंतर्गत महिलाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने का यह एक सुनहरा अवसर सामने आया है, जिसके अंतर्गत आप आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के आंगनवाड़ी में अपना पोजीशन, अपना पद हासिल कर सकते हैं। तो योग्य और इच्छुक महिला कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर जयपुर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस के अंतर्गत नियुक्ति यानी सिलेक्शन, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जरूरी है कि आपके पास कम से कम मैट्रिक परीक्षा की डिग्री अवश्य होनी चाहिए, और अपनी योग्यता के अनुसार आप पद यानी पोजीशन पोस्ट सिलेक्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां है वो कौन सी है उसके बारे में जाने। तो आंगनवाड़ी भर्ती जयपुर 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों की जाँच आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जरूरी है कि आप लास्ट डेट से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि आप इस रिक्रूटमेंट में आसानी से सिलेक्ट हो पाए, इसका हिस्सा बन पाए। इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 7 मार्च 2024 रखी गई है, और एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो जो भी एप्लीकेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो सभी एप्लीकेंट्स इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी 7 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 8 अप्रैल 2024 से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दें। आगे रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है उसके बारे में जाने। तो आंगनवाड़ी सहायिका वैकेंसी 2024 के एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सरकार के द्वारा एक एज निर्धारित की होती है। इस रिक्रूटमेंट में एप्लीकेंट्स की मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है। यानी 18 से 35 ईयर्स के एप्लीकेंट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अनुसार
एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए सभी एप्लीकेंट्स को कैटेगरी के अनुसार छूट प्रदान की जाती है, यानी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं अब इस रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए चयन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जाने। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए सिलेक्टेड होने के लिए सबसे पहले एप्लीकेंट्स को साक्षात्कार का सामना करना होगा, यानी उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनको इंटरव्यू देना होगा। फिर इंटरव्यू के बाद उनका दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके आधार पर एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए गए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स, साथ ही आपके जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक श्रृंखला में यानी एक साथ इकट्ठा करके रखना है, ताकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आए तो आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े उसके लिए। अब जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई है उसके बारे में जाने। तो आंगनवाड़ी सहायिका रिक्रूटमेंट 2024 में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से 10th या 12th पास की मार्कशीट अवश्य होनी चाहिए, तो ही वो आसानी से इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो भी एप्लीकेंट्स 10th पास है और 12th पास है वो सभी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में जाने फ्रेंड्स, यानी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय फीस पे करनी रहती है वो कितनी है इस रिक्रूटमेंट में उसके बारे में जाने। तो इस रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट नहीं करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। तो इस रिक्रूटमेंट में जो भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी सारी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स बिल्कुल निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, यानी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जाने। तो आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे बताए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो वो हमारे बताए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं स्टेप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को किसी फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में खोल लेना है। ये जो वेबसाइट है ये हम वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं, तो आपको उस वेबसाइट पर विजिट करना है। फिर वेबसाइट पर आपको विभागीय ऑफिशियल विज्ञापन दिखाई देगा, जिसे आपको सही प्रकार से पढ़ लेना है, उसका अवलोकन कर लेना है। यानी फ्रेंड्स, उस वेबसाइट पर आपको इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आपको उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपके सामने कार्यालय उपनिषद महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म का लिंक दिखेगा, तो आपको उस लिंक पर क्लिक कर लेना है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी सारी इंफॉर्मेशन पूछी गई होगी वो आपको सब कुछ सही सही भर लेनी है। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी, जैसे आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी गई होगी, तो आपको सब कुछ सही सही भर लेना है। फिर सब कुछ सही से भर लेने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड कर देने हैं, और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रख लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सकता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट जरूर निकाल लेनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आगे भविष्य में फ्यूचर में काम आ सकता है।
अब जानते हैं फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताएंगे। तो इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.wcd.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आई होप आपको हमारी बताई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स के बारे में हम आप तक जल्द से जल्द वीडियोस पहुंचा सके, आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।